चांद से लेकर ध्वज तक शम्स खान के सबसे अच्छे लड़ाके ढाल बन के हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे और हमें भी तीर की तेजी से उनकी सुरक्षा को भेजना होगा। मेरे वीरों, ये एक सच्चाई है। इस अभियान में हमारे कुछ वीर वीरगति को प्राप्त होंगे, लेकिन उन सब के बलिदान को सार्थकता तभी मिल पाएगी जब हम सब अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गए। कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का गौरवशाली झंडा फहरा देंगे। मेवाड़ का ध्वज कीर्ति स्तंभ पर फहराते ही हमारी सेना का मनोबल 10 गुना हो जाएगा और शत्रु का उत्साह धूल में मिल जाएगा। हमें शत्रु को पराजय का मुंह दिखाना है। हर क्षत्रिय के लिए शत्रु को पराजय का मुंह दिखाना गर्व की बात होती है। इस अफगानी झंडे को हटाकर मेवाड़ के ध्वज को फहराने का संकल्प मेवाड़ के हर राजपूत ने लिया है। राजपूतों की आन बान और शान कभी छुकने ना पाए, ये प्रतिज्ञा मेवाड़ के रक्त की हर बूंद में है। सही समय आने पर हर राजपूत को अपने देश के लिए देशभक्ति और मातृ प्रेम दिखाने का सही अवसर दिया जाएगा। कुंवर प्रताप, राजीराज, इस अवसर को पाकर हम भी स्वयं को गौरवान्वित करना चाहेंगे। हमने मासा से बचपन से ही हमारे पूर्वजों की वीर गाथाएं सुनी। हमारे परदादा श्री बाप्पा रावल, दादाश्री राणा सांगा की इस साहस की गाथाएं हमें बार बार यही कहती कि जाओ प्रताप, जाओ और हर शत्रु को अपनी मातृभूमि से खदेड़ दो। आपकी शिक्षा, आपके आदर्श हमें अपनी प्रजा के और समीप करते हैं। ऐसा लगता है कि हम अपनी प्रजा को सारे सुख दें और किसी भी प्रजाजन पर कोई आश ना आने दें। कुंवर प्रताप, अभी वो समय नहीं आया है जब आप रणभूमि में उतरकर अपनी योग्यता सिद्ध करें। प्रजाजनों के हित और दुखों को हरने के लिए अभी आपको कड़ी मेहनत, संयम और धैर्य के साथ कई बड़ी परीक्षाएं देनी होंगी। हम कर सकते हैं दाजीराज। बस कुंवर प्रताप, हमें लगता है कि हमने जो कहा वो आप समझ गए होंगे। मेवाड़ी ध्वज स्वयं को चित्तौड़ के किले पर फहराने का अवसर उचित योद्धा को देगा। समय आएगा, दीक्षा करो कुंवर प्रताप। समय आ चुका है दाजीराज। जय मेवाड़! जय मेवाड़! आक्रमण! Thank you.
ऐसे तलवार चलाओगे तो प्राण तुम्हारे जाएंगे और हानि मेरी होगी। अभी ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारी तलवार ये दोनों अलग अलग हैं। तुम्हारी तलवार में तुम्हारी भावना है, तुम्हारे मुंह पर और आंखों में अफगानों के लिए गुस्सा उबल रहा है, लेकिन तुम्हारी तलवार निरपेक्ष है और ऐसी निरपेक्ष तलवार रणभूमि में तुम्हें बलिदान करके किसी और के साथ आगे चल देगी। तो होना यूं चाहिए कि तुम और तुम्हारी तलवार दोनों ऐसे एक हो जाएं कि तुम्हारी तलवार तुम्हारा ही एक अंग हो, जैसे ये तुम्हारा लोहे का हाथ हो और इसी पे कटेली धार हो। तुम्हारी भावना तलवार के साथ बहनी चाहिए, तभी तुम्हारी तलवार शत्रु पर काल बन के चमके। समझे? जी हुकुम, समझ गए और अब कभी नहीं भूलूंगा। हुकुम, हम इसके आगे नहीं चल सकते। हम जा तो रहे हैं पर हमारा मन दुर्ग में अटका हुआ है, न जाने वहां क्या हो रहा होगा। रानी सा, जो छूट गया सो छूट गया, आप आगे की सोचिए। आपको एक नया जीवन आरंभ करना है। नया जीवन आरंभ हो सकता है, लेकिन हमारे सपने अभी तो, हमारे पुराने सपने अधूरे हैं। हम हमारे पुत्र को इतना शक्तिशाली बनाएं कि वो हमारे सारे अधूरे सपने पूरे कर सके। बस एक लिंग जी की कृपा से राणा जी जीते रहे। अवंती, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूर्वी द्वार पर कौन है? हुकम, पूर्वी द्वार पर हमें ही होना है, किंतु इस समय समाचार ही इतना संगीन है। अवंती, ऐसा कौन सा समाचार है कि आपको छावनी छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा? जी राज को देखा गया है। और प्रताप को कहां देखा? किसने देखा है? किसने देखा कौर प्रताप को? बाजी राज को हमने स्वयं आज राणा बहादुर की टुकड़ी में देखा। मतलब कुंवर प्रताप ध्वज फहराने गए हैं। यदि आप कहें तो बाजी राज की सुरक्षा के लिए एक टुकड़ी भेज दें। कौन सी टुकड़ी भेजेंगे रावत जी? और कहां से सैनिक भेजेंगे? हमारा एक एक सैनिक 16-16 अफगानों से लड़ाई लड़ रहा है। राज की स्वाधीनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे।
कुंवर प्रताप ने हमारा आदेश ना मानकर यह फैसला लिया है, इसका परिणाम उन्हें अकेले ही सहना होगा। तो हुक्म जी राज। बस रावत जी, अब इसमें और कोई बात नहीं होगी। ये हुक्म। हुजूर, हुजूर, प्रताप, 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 हुजूर, हुजूर, दूसरी वाली टुकड़ी में प्रताप अपने साथियों के साथ आया है, हमला करने के लिए आया हुआ है। हमारे सबसे ज्यादा सिपाहियों का रास्ता तैयार करो। खबर मिली है कि प्रताप आगे वाली टेकरी में है, और जब हम उस गुस्ताख को हमारे हुजूर के सामने जिंदा या मुर्दा पेश करेंगे तो हमारे हुजूर खुशी के मारे नाच उठेंगे। रणभूमि की महारानी साहब, हमारे सेनानियों ने अफगानियों की एक चौथाई सेना को मृत्यु की नींद सुला दिया। पर क्या बोलो? पर हमारी आधी सेना भी हेत हो गई। और राजराणा बहादुर जी, उनकी क्या सूचना है? क्या वो हमारा ध्वज कीर्ति स्तंभ पर लहराने में सफल हो गए? पता चला है महारानी साहब कि उनकी टुकड़ी पूरे प्राणपण से युद्ध कर रही है। सफलता थोड़ी दूरी पर ही है महारानी साहब। ठीक है, तुम जाओ और जैसे ही कोई नई सूचना मिले हमें बता। ये क्या? ये 56 भोग का भोज किसी ने छुआ तक नहीं। कैसे खाएं जीजा, राजगली से नीचे ही नहीं उतर रहा है। ये तो हमने पहली बार देखा है। आप और कुछ भी खाने से मना कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। बहनों, जैसे हमारे पुरुषों ने युद्ध में जीने के बदले हंसते हंसते लड़ने और लड़ते लड़ते मर जाने का विकल्प चुना है, उसी तरह हम मेवाड़ी राजपूतानियां भी हंसते हंसते आग की लपेटों में चढ़ जाएंगी। ये भोज, ये श्रृंगार हमारे इसी भावना का प्रतीक है। हमारे लिए मृत्यु भी हर्ष और उल्लास का एक उत्सव है। चलिए, आज हम अपने हाथों से आप सबको परोसेंगे। बैठ जाइए। हम भी परोसेंगे। We'll be right back.
आएंगे, हम इन्हें संभालेंगे। हुकुम, आप जाइए। तुम जाओ बच्चे। हम आपको यूं ही छोड़ के नहीं जा सकते। तुम जाओ यहाँ से और हमारा उद्देश्य पूरा करो। हम नहीं जाएंगे दादा। मैंने कहा जाओ यहाँ से। संभालिए दादा। जय मेवाड़। अब आप फंस गए कुंवर प्रताप। अब या तो यह रास्ता हमारी छावनी की ओर जाता है और या फिर सीधे ऊपर। कुछ ही देर में ना ही तुम रहोगे और ना ही तुम्हारी ये छावनी। बच्चे हैं आप कुंवर प्रताप, इसीलिए रहम कर रहे हैं। वरना अगर किसी और ने ये बात कही होती तो कब का हलाल कर दिया होता उसे। तुम हमें मृत्यु से क्या डराते हो इनायत खान? हम अपने जीवन को इतना नहीं चाहते जितना तुम्हें अपनी धरती से खदेड़ देना चाहते हैं। देखते क्या हो, हम अकेले ही तुम सबको धूल चटा देंगे। ठीक है शहजादे, अगर आप खुदकुशी के लिए इतने ही आमादा हैं तो यही सब। पर याद है, पल भर में मारे जाओगे। हो सकता है, पर तुम हमें जीवित नहीं पकड़ पाओगे। तुम हमारा जीवन तो ले सकते हो पर हमारी स्वाधीनता नहीं। साथियों, हमें उसे बचाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। पर राजराना जी, हमारा लक्ष्य ध्वज। ध्वज हमारा लक्ष्य है क्योंकि वो मेवाड़ का प्रतीक है। लेकिन वो लड़का साक्षात मेवाड़ का भविष्य है। वो बाहुजी राज प्रताप है, मेवाड़ नाथ राणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र। घेर लो इसे। हमने उन्हें देखते ही पहचान लिया था। उनके मुख का तेज, रणभूमि में जूझ जाने का उनका उत्साह और मेवाड़ की माटी के लिए मर मिटने की उनकी भावना। ये सब सिसोदिया वंश की गौरवशाली परंपरा का खुला प्रमाण देती थी। हम सबको अपने शौर्य और कौशल हासिल करने के लिए बरसों कठिन अभ्यास करना पड़ा। लेकिन प्रताप बाऊजीराज को ये शूरवीरता धरोहर में मिली है। अगर हम इस धरोहर से हाथ धो बैठे तो बहुत बड़ा नर्क हो जाएगा। हमें उन्हें बचाना ही होगा। जय मेवाड़। जय मेवाड़। हमें धूल चटाएगा, चल आ जा। नहीं नहीं, ये तो हमें जमीन से खदेड़ देना चाहता है। सारी धूल अब तू चटना चाहता है क्या? इनायत खान, बस बहुत हुआ। मछली जाल में फंसने के लिए तैयार है, जाल डालो। इस गुस्ताख को हम यूं ही घसीटते हुए हमारे हुजूर के पास लेके जाएंगे, मजा आएगा। चलो रुको,
तक हमारी देह में प्राण है, हमारे बाऊजी राज का कोई बाल भी भांका नहीं कर सकता। अगर तुम कुर्बान होने के लिए इतने ही बेताब हो रहे हो तो यही सही। आप यहां से सीधे रावले क्यों निकल जाइए कुंवर प्रताप, इनकी जोर की हवा हमें अकेले निकालते हैं। ठीक है राजराणा जी, हम जा रहे हैं, पर रावले की ओर नहीं, ध्वज की ओर। नहीं कुंवर प्रताप, आज जैसा स्वाद तो पहले कभी नहीं आया महारानी साहब। आज के दिन की हर बात निराली है। अब हम यहां से जौहर चौक की ओर चलेंगे अपने अंतिम यात्रा के लिए। ऐसे ही एक यात्रा हम पहले भी कर चुके हैं, जब मायके से सासरे आए तब भी वो एक संसार से दूसरे संसार तक की यात्रा थी, और अब की बार भी हम इस संसार से विदा होकर अगले संसार में चले जाएंगे। खड़ी का मामा रानी साहब, बाऊजी राज का पता चल गया है। क्या कहा है वे? महारानी साहब, वो कीर्ति स्तंभ के पास है, राजराणा बहादुर जी की टुकड़ी के साथ लड़ रहे हैं। क्या, ऐसे कैसे? अरे खुशी जी को जाके बताओ कि तत्काल कुंवर जी को बचाने के लिए सैनिक भेजे जाए। हमें नहीं लगता राणा जी ऐसा कुछ करेंगे। ऐसी ही स्थिति से बचने के लिए राणा जी ने हमारे सारे पुत्रों को दादा भाई मानसिंह के पास भेजा था, पर प्रताप को यह स्वीकार नहीं था, तो अब उन्हें अपने देशभक्ति का मोल भी चुकाना ही होगा। अपने को बचाकर देश को दासता से नहीं बचाया जा सकता। कुंवर प्रताप ने अपने कर्तव्य का चुनाव किया है, और हमें भी अब अपना कर्तव्य करना चाहिए। हमारे काम पहले तमाम होंगे या इन राजपूतों की मरियल फौज? हुजूर, जिस रफ्तार से हमारे जंगजू इन बुजलों का सफाया कर रहे हैं, उससे तो ये मालूम होता है कि आपके आम बचे रहेंगे और उदय सिंह की सारी सेना हलाक हो जाएगी। ना 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 ना, उदय सिंह हलाक नहीं होना चाहिए। उदय सिंह अगर हलाक हुआ तो इस जंग का सारा लुक चला जाए। उदय सिंह तो हमें चाहिए ही जिंदा आदिल। यो अपने हाथों से किसी का खून जाया होने देना हमारी तबीयत के सरासर खिलाफ है, मगर उदय सिंह के खाते हम अपने लिबास पे उनके धब्बे भी बर्दाश्त कर लेंगे। आदिल आदिल, मगर तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी अपने लिबास पर खून के धब्बों से नफरत है? अजब, मैं आपको खबर देने आया था कि किले के जनान खाने में सारी औरतें जौहर करने वाली है। जौहर? भाई शौहर तो सुना था, ये जौहर क्या बला है? हजूर, इतना तो मालूम नहीं, लेकिन इतना पता चला है कि जंग की फतह की खबर उन तक पहुंचेगी और वो सारी औरतें आग में कूद कर जान दे देंगी। आग में कूद जाएंगे? क्या
बकवास कर रहे हो, मगर क्यों? सुना है हुजूर की ये उनकी रवायत है। ये कैसी रवायत है आदमी? ये ना इंसाफी है। इतनी कड़ी धूप में इतनी मशक्कत क्या हम आम चूसने के लिए कर रहे हैं? उदय सिंह का वो गुस्ताख लड़का प्रताप, वो तो पहले ही भाग निकला। अब उनकी हत्या ले रो मैं, उनसे भी हाथ धो बैठेंगे हम। इस जंग में फतेह का मतलब क्या रह जाएगा? आम चूसना और गुठलियां गिनना? हमारा मुंह क्या ताक रहे हो आदिल? ताकि समझो उनकी बेगमों को कि उनके शौहर को कत्ल करने के बाद भी उनको यतीम नहीं होने दें। अरे खोखली रवायतों के पीछे, रस्म रिवाजों के पीछे अपने हुस्न की यूं बेकदरी ना करें। हम हैं उनके स्वभाव के कदरदान, उनके हुस्न के इबादतगार, उनके रूप के पुजारी। हम उनको अपनी पलकों से बिठा दें। उनकी जरूरत हम पूरी करेंगे। उदय सिंह, कुछ आहट सी हुई, लगता है कोई है। कोई भी तो नहीं है महारानी साहब। चलिए, कुछ पग की ही दूरी बाकी है। हम भी तो कब से तुम्हारे इंतजार में दुबले हुए जा रहे हैं। आज हम तुम्हारे सारे दुष्चक्रों का अंत कर देंगे शमशान। कायरों की तरह अपनी सेना के पीछे छुप कर क्या बैठे हो? सामने आओ और मुकाबला करो मेरा। मगर इतनी जल्दी भी क्या है? हम कब से देख रहे हैं तुम कितनी कसरत कर रहे हो। थक गए हो? मरने से पहले राहत, दो चार सांसें तो ले लो। देखो, तुम्हारे साथ कोई ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। क्या कहते हो, बैठने के लिए आसन मंगवा दो? हम तो सुकून से बैठ के जंग का तमाशा देख रहे हैं और आम चूस रहे हैं, मगर तुम तो पसीना बहा रहे हो। हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कहते हो शम्स खान? तुम तो खड़ी तो खड़ी सही हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन हम इस पल की प्रतीक्षा उस दिन से कर रहे हैं जिस दिन हमने खुद अपने हाथों से चित्तौड़ के गढ़ की चाबी शेरशाह सूरी के हाथ में दी।
उस दिन से ही हमारे दिल में एक कांटा सा गड़ा हुआ है, और आज जब वो कांटा निकाल बाहर फेंकने का समय आया है तो तुम कह रहे हो कि हम आराम कर ले। कांटा नहीं निकलेगा, तुम्हारा लम निकलेगा। शम्स खान, अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ।